सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आईएनसी में, दैट इज द चैप्टर नंबर 8। बेसिकली कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा, इट्स द चैप्टर नंबर 8। इसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, इस जो चैप्टर है, ये चैप्टर में हम लोग सबसे पहले चीज तो जो प्रोसेस कंट्रोल है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल, हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे प्रोसेस कंट्रोल जो है हमारा काम करता है। दिस दी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 ऑफ दी आईएनसी, दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल, कि हाउ द वेरियस प्रोसेसेस आर बीइंग कंट्रोल्ड, व्हाट इज दिस फिनोमेना, हाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम दैट इट इंक्लूड्स। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग प्रोसेस कंट्रोल जानने के लिए जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। सो व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम एवरीवन? कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट व्हेन द आउटपुट क्वांटिटी इन अ सिस्टम कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द इनपुट क्वांटिटी द सिस्टम इज कॉल्ड कंट्रोल सिस्टम। सीधी सी बात है, क्या हम लोग किसी भी सिस्टम के आउटपुट की वैल्यू को वेरी करेंगे इनपुट सिस्टम की वैल्यू में चेंजेस लाके, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल सिस्टम। इज द इनपुट इज ऑल्सो इन द कंट्रोल ऑफ आवर हैंड एंड द आउटपुट इज ऑल्सो इन द कंट्रोल। अल्टीमेटली द आउटपुट इज इन टू आवर हैंड्स, मीन्स लाइक जैसा हम लोग इनपुट उसमें देने की कोशिश करेंगे वैसा ही आउटपुट हमको रिसीव होगा। सो अगर हम लोग डेफिनेशन में जाएं तो व्हेन द आउटपुट क्वांटिटी इन अ सिस्टम कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द इनपुट quantity the system is called as control system। ठीक है, मतलब जब output quantity जो है system में वो input quantity के साथ क्या होगी, vary होगी, so this is called as the control system। तो अगर हम लोग और देखने की कोशिश करें तो जो आउटपुट क्वांटिटी है इज अ कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड द इनपुट क्वांटिटी इज अ इज कॉल्ड द कमांड सिग्नल। इसमें हम लोग किसको द आउटपुट क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, इज द कंट्रोल्ड वेरिएबल एंड the input quantity is nothing but the command signal। so this is how will, अगर ऐसे ही हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चीज को समझने की कि how these things are working upon and how these things are going on। so सबसे अब इसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि वो बात तो आती है कि इतनी बड़ी चीज़ आप बोल रहे हैं, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, बेसिकली व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक, what is the importance of the control system? So a control system is nothing but a combination of elements arranged in a planned manner where each element causes an effect to produce a desired output। isme kya bolta hai, control system kya hai, control system is a combination, ye ek tarike ka elements ka combination hai jinko arrange kiya jata hai ek planned manner mein, matlab और हर एक एलिमेंट
जो है वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है डिजायर्ड आउटपुट के लिए. दिस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज गवर्न बाय मैथमेटिकल रिलेशनशिप, और इसको हम लोग एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. अगर हम लोग अपने डेली लाइफ के बारे में बात करें, देर आर न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स दैट नीड टू बी इनकम्प्लीट. इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को अपने डे टू डे लाइफ में करनी होती है, जिनको रेगुलेट करना होता है, लाइक रेगुलेट टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी ऑफ होम्स एंड बिल्डिंग्स, कम्फर्ट फॉर कम्फर्टेबल लिविंग. फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी नीड टू कंट्रोल ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटेन्स न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स फॉर प्रोडक्ट दैट विल सैटिस्फाई द प्रिसीजन एंड इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट. द मीन्स ऑफ अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव यूजुअली इन्वॉल्व द यूज ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. खेली सी बात है, लेकिन कंट्रोल इम्पॉर्टेंस कंट्रोल सिस्टम का क्या है. देखिए हम लोग अपने टू डेली लाइफ है, ठीक है, मीन्स लाइक ये जो कंट्रोल सिस्टम है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड, सिस्टमैटिकली प्लान्ड, प्लान एंड अरेंज्ड, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटपुट. ठीक है, ये अगर हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का संग्रह है जो कि एक सिस्टमेटिकली और प्लान्ड वे में हमारे यहाँ अरेंज्ड होते हैं ताकि एक डिजायर्ड आउटपुट क्रिएट कर सके. जैसे कि अगर हम लोग, और इनको जब हम लोग मैथमेटिकल रिलेशनशिप के द्वारा इसको जब हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, जब हम लोग इसको मैथमेटिकल रिलेशनशिप और एक्सप्रेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो देन ओनली दिस विल बी कॉल्ड एज कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम लोग रिलेशनशिप में लाएंगे और एक प्रॉपर और एक मैन्युफैक्चर्ड और एक एडवांस्ड और एक प्लान और एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. अपने अगर डेली लाइफ में देखें, इन आवर डेली लाइफ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली मूव करते हैं. लाइक सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करें तो हम लोग वी यूज फैंस, वी यूज एसीज, वी यूज कूलर्स, ये सारी चीज़ों क्यों हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग अपने रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करें. फॉर मेंटेनिंग दी रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम लोग फैन, एयर कंडीशनर, कूलर्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, अगर इसमें हम लोग ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन कर लेते हैं बिल्डिंग की. ह्यूमिडिटी ऑफ द बिल्डिंग इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय विद द हेल्प ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और एक कंफर्टेबल लिविंग हमको मिलता है. जैसे हम लोग अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो फॉर ट्रांसपोर्टेशन वी यूज बसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट्स, ट्रेन्स, कार्स, बाइक्स, व्हीकल्स, बाइक्स हो गई, फिर आपका एयरप्लेन्स, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए फॉर कंट्रोलिंग डिस्टेंसेस टू मेंटेन प्रॉपर टाइमिंग वी यूज प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम. लाइक और अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें एवरीवन, तो इंडस्ट्रीज में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. लाइक हमको किस प्रकार या किस क्वांटिटी या किस क्वालिटी की चीज़ों को हम लोग को बनाना है, तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो न्यूमरस ऑब्जेक्टिव्स को लेके चलते हैं ताकि प्रोडक्ट जो है उसका सेटिस्फेक्शन, उसका प्रिसीजन, उसका इफेक्टिवनेस जो है वो मार्केट में दिखे लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो, बिके. तो अगर हम लोग प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो प्रोसेस जो कंट्रोल है हमारा, प्रोसेस कंट्रोल इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. पहला है हमारा
one look system और दूसरा है हमारा closed loop system, closed loop system. So this is the, अगर हम लोग ओपन लूप सिस्टम की बात करें गाइस, तो ओपन लूप सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम, दिस इज द कंट्रोल सिस्टम, ये हमारा सीधी सी बात ये इनपुट हो गया और ये हमको यहाँ पर आउटपुट मिल गया. मतलब एक सिंपल तरीके से हम लोग ओपन सिस्टम को अगर डिफाइन करें तो इनपुट इज बीइंग गिवन टू द कंट्रोल सिस्टम एंड द डिजायर्ड आउटपुट इज बीइंग टेकन अप. और अगर हम लोग एक क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, हम लोग एक फीडबैक पाथ इंक्लूड कर देते हैं इसमें. ये क्या करता है, ये हमारा एक मान के चलिए दिस इज व्हाट इज द ये क्या हमारा कंपैरेटर है, कंपैरेटर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. देखिए ये इनपुट गया, ये कहाँ गया हमारा कंपैरेटर में, कंपैरेटर के बाद हमारा ये हमारा कंट्रोल एक्शन के लिए गया, ये हमको आउटपुट मिला. बट इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक तो फीडबैक लिंक हम लोग यहाँ पर एसोसिएट करते हैं. ये फीडबैक इतना ज़रूरी एस्पेक्ट हो जाता है अगर हम लोग बात करें तो, Why? Because ये इनपुट है हमारा, ये हमारा कंपैरेटर और डिटेक्टर हम लोग इसको बोल रहे हैं, कंपैरेटर स्लैश डिटेक्टर, दिस इज द कंट्रोल एक्शन इट इज गोइंग ऑन. ठीक है, ये अगर कोई एरर आया तो इसका एरर को करेक्ट करने का काम ये करेगा. This is the output and this is the feedback element. अगर किसी भी प्रकार की कोई भी discrepancy आ रही है तो हम लोग with the help of the output में detect किया जाएगा कि जो desired हमारा, हम जैसा चाहते थे जो desired था हमारा, वो हमारा fulfill हुआ है कि नहीं. अगर वो fulfill नहीं हुआ रहता तो वो क्या हो जाता है, वापस फिर से वो input को चल जाता है. So this is the टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल जो कि हम लोग बहुत ही वाइडली इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ओपन लूप सिस्टम क्या होता है. तो ओपन लूप सिस्टम, जैसे कि हमने अभी बात किया कि ओपन लूप सिस्टम में जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं गाइस, इसकी ओपन लूप सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि हमने एक यहाँ पर इनपुट दिया, यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम हमारा ऑर्गेनाइज है ऑलरेडी, कंट्रोल सिस्टम इज देयर और हमारा ये हमारा कंट्रोल एक्शन के बाद हमको ये आउटपुट मिल रहा है, हमने यहाँ पर इनपुट दिया और यहाँ कंट्रोल एक्शन सिस्टम एक्शन हमारा यहाँ पर हो रहा है और हमको आउटपुट मिल जाता है. तो ओपन लूप सिस्टम, एक ओपन लूप सिस्टम एंड अगर हम लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो एन ओपन लूप सिस्टम इन एन ओपन लूप सिस्टम अगर हम लोग बात करें कि इन एन ओपन लूप सिस्टम The output quantity, जो भी हमारी output quantity है, is not fed back, to the input quantity. अगर हम लोग सरल भाषा में समझने के लिए कोशिश करें तो ये है, in this system the controlled variable remains constant. इसमें controlled variable जो रहता है वो constant रहता है, मतलब वो आपको किसी भी प्रकार का फीडबैक प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी इसमें एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस नहीं होते हैं. देखिए क्लोज लूप में डिस्टर्बेंसेस क्यों होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग जैसा डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वैसा डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा तो आउटपुट के थ्रू एक फीडबैक लिंक मौजूद होता है, वो फीडबैक वहाँ से डाटा मिलेगा और उसके बाद हमको वो वापस दे देगा. तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल गो ऑन और हमारा वो डिस्टर्बेंस नहीं आ पाता.
लेकिन अगर किसी प्रकार का एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है, इंटरनल सिस्टम एरर्स हैं, तो उसका ऑपरेशन क्या होगा हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोल्ड मैनुअल में जाएगा। और हम लोग इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मैनुअल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इट इज़ दी मैनुअल वे ऑफ कंट्रोलिंग द सिस्टम, मैनुअल वे। अगर ये ऑटोमेशन में जाना था, अगर ये ऑटोमेटिक होता तो ऑटोमेटिक में हम लोग को एक फीडबैक लिंक जरूर प्रोवाइड करना पड़ता, लेकिन ये ऑटोमेटिक में मैंने जाके दिस इज दी ओपन लूप सिस्टम इज ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ मैनुअल सिस्टम। तो मैनुअल सिस्टम, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम एक सेटिस्फैक्टरी चीज़ें प्रोवाइड तो नहीं करता, फिर भी हम लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन है तो वो टॉलरेट नहीं होता, और सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं वो उस पैरामीटर्स में उसके वेरिएबल्स हैं और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हैं वो वेल इन कंट्रोल रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो एक इनपुट हम दे रहे हैं, कंट्रोल एक्शन हो रहा है वहाँ पर, और हमको एक ठो आउटपुट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो हमको मिल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एग्जाम्पल इसका जो है वो है एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज दी एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप जो सिस्टम है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। अब जो हम लोग इसमें नेक्स्ट जो कंट्रोल जो नेक्स्ट टाइप का जो कंट्रोल सिस्टम का डिस्कशन करेंगे वो है हमारा क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक फीडबैक सिस्टम है, एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि हम लोग को समय समय पर ये बताते रहता है कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं अगर उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, किसी वजह से उसमें एरर जो डिजायर जो हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है उसमें एरर्स आ रहे हैं, तो उस एरर को क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा और फिर से ठीक करने के लिए कंपैरेटर और डिटेक्टर को भेजेगा, यहाँ पर प्रोसेस होके डायरेक्टली जाएगा कहाँ पर, कंट्रोल एक्शन के लिए, और एरर को एलिमिनेट करके वो कंट्रोल एक्शन आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट हमको देगा। तो अगर हम लोग क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो इन इन क्लोज लूप सिस्टम, इन क्लोज लूप सिस्टम दी आउटपुट क्वांटिटी इज कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड बाय बाय सेंडिंग अ कमांड सिग्नल सेंडिंग अ कमांड सिग्नल टू द इनपुट क्वांटिटी इनपुट क्वांटिटी थ्रू अ फीडबैक थ्रू अ फीडबैक एलिमेंट। ठीक है, मतलब क्लोज लूप सिस्टम में जो आउटपुट क्वांटिटी है वो कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्ड होती है। कैसे कंट्रोल किया जाता है, अगर किसी भी प्रकार का उसके सिस्टम पर कोई प्रकार का गड़बड़ी को डिटेक्ट करता है हमारा आउटपुट में से फीडबैक एलिमेंट, और फीडबैक एलिमेंट से फिर से वापस होगा अपना सिस्टम को देता है ताकि फिर से वो रीप्रोसेस हो और हमको प्रॉपर आउटपुट मिले। तो इस सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो एक कंट्रोल एक्शन है वो एक एरर एरर से एक्चुएट होता है जिसके कारण से डिफरेंस आ जाता है, और प्रोसेस में कंपैरिजन इनपुट और आउटपुट में हमको मिल जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें टू मेंटेन अ कांस्टेंट आउटपुट ऑफ अ डीसी जनरेटर एंड आउटपुट वोल्टेज फीडबैक एंड कंपेयर विद द इनपुट रेफरेंस वोल्टेज, मतलब अगर हम लोग को एक प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज की जरूरत है तो हम लोग उसको कंपेरिजन करके ही
इनपुट वोल्टेज से कंपैरिजन करके ही हम लोग आउटपुट जनरेट करते हैं और हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम को अंजाम देते हैं। ठीक है, दिस इज द एंटायर वर्क ऑफ द हमारा कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में हम लोग अगर डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमारा हम कंपैरेटर है, कंपैरेटर, या हम लोग इसको और बोलते हैं डिटेक्टर। यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के ये एरर को हम लोग इसे दर्शा दिए, ये हमारा कंट्रोल एक्शन है, ये हमारा आउटपुट है। क्या है आउटपुट को सी से डेजिग्नेट करते हैं, इसको आर से डेजिग्नेट करते हैं। व्हाई वी आर डेजिग्नेटिंग दिस थिंग्स, सो एज टू हैव द मैथमेटिकल कैलकुलेशन अबाउट इट। ठीक है, दिस इज द फीडबैक एलिमेंट, फीडबैक एलिमेंट, और ये जाएगा हमारा कंपैरेटर या डिटेक्टर के पास। फिर से अगर जो चीज़ें कंपेयर होगी और जो भी एरर्स होंगे वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे और एरर एलिमिनेट होंगे कंट्रोल एक्शन के बाद आउटपुट हमको जनरेट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल बिहाइंड द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम एवरीवन। ठीक है, होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग इतनी देर से वेरिएबल वेरिएबल की बात करें कि वेरिएबल है क्या, ऐसी चीज़ जो टाइम के साथ वेरी हो उसके हम उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, लाइक अभी जो जो हमको हम लोग टाइम देखते हैं तो टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि काटा हर बार हर थोड़ी थोड़ी देर में मूव हो रहा है। दैट मीन्स क्या है वो क्या है। ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल्स आर द नथिंग बट वेरिएबल्स आर द प्रोसेसेस और कंडीशन, आर द प्रोसेस और कंडीशन कंडीशन विच चेंजेस आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से हम लोग इससे कैलकुलेशन देख सकते हैं और नाप सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक जो हम लोग इसको देखना चाह रहे थे। इसके बाद जो हम लोग इसमें देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ऑन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोल, इन दिस टाइप ये हम लोग इसको इस टाइप करेंगे ऑन स्लैश ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल में हम देखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल एक्शन इन विच there are two types of system, that is on and off। ठीक है, इसमें ऐसे सिस्टम है जिसमें कंट्रोल एक्शन में दो टाइप है, या तो ऑन या तो ऑफ। जब when the machine value is less than the actual value then the instrument gets started। मतलब जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है वो सिस्टम की वैल्यू से कम है एक्चुअल वैल्यू से, तो हम लोग उसको क्या करते हैं सिस्टम को या प्रोसेस को स्टार्ट करते कब तक उसको लाते हैं, जब तक वो चीज़ें अचीव नहीं हो जाए। तो इस और इस प्रोसेस को और जैसे ही एक सेट पॉइंट पे अचीव हो जाता है तो उस समय इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग
ऑफ पोजीशन पे ला जाते हैं, जिस वजह से हम लोग ऑन और ऑफ कंट्रोल करते हैं। जैसे एक रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल देते हैं कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं उसमें हम लोग एक थर्मोकॉपल का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को बढ़ाता है और सिग्नल को क्या करता है, कंप्रेस करता है। जो रेफ्रिजरेटर है वो फिर से अपने सेट वैल्यू पे आ जाता है और उससे रेफ्रिजरेटर जो है वो कार्य करना चालू कर देता है। सो दिस इज दी फंडामेंटल बिहाइंड दी ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम एवरीवन। सो ये जो चैप्टर है इसका एक और क्लास जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू।